हमने कई अखबार चलाए जो मिसाइल में नजने बल्कि छपती भी रहेंगी और ये अपना कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साजिद शाह सदर एको, मोहतरमा सीमा शाह भाभी साहब, मुअज़्ज़िज़ शोरा कराम, हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़े अंदोनाक वाकया जो पाकिस्तान में पेश आया उसकी यादों के सिलसिले में हम लोग जमा हुए और ये कोई अहले दिल और दर्द दिल रखने वाला ही ये सोच सकता है और साजिद भाई के जहन में ये चीज आई कि इसकी याद एक अमेरिका में फिनिक्स में भी मनाई जाए। और माशाल्लाह आप दोनों हजरात साजिद भाई और भाभी जो खिदमत कर रहे हैं फिनिक्स में पाकिस्तान वेस्ट के जरिए, बहुत कुछ हमें अपनी कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ इतनी मसरूफियात रहती नहीं तो उस अखबार के जरिए बहुत कुछ हमें पढ़ने को और मालूमात मिल जाती है कि क्या हो रहा है कम्युनिटी में। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। और कैलिफोर्निया से हमारे बहुत ही इरफान मुर्तजा भाई आए हुए हैं और इरफान मुर्तजा एक ऐसे शायर हैं कि इनका एक वाकया बहुत ही जो मुझे याद रह गया और आज इनकी मौजूदगी में मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। असल में इनकी दो नज़में मशहूर ज़माना नज़में हैं, क्या थोड़ा था जो भी था कुछ थोड़ा था, तो वो बहुत से लोगों को वापसी के टिकट दिलवा दिए उसने। और मैं थोड़े अरसे पहले जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे एक दोस्त की कॉल आई, कहने लगे यार मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैंने कहा तुम अभी तो गए हो। कहने लगे कि मैंने इरफान मुर्तजा एक शायर है कैलिफोर्निया के, तुमने उनकी नज़्म नहीं सुनी। मैंने उनकी नज़्म सुनी है और मैंने उसी वक्त टिकट लिया है और मैं वापस आ रहा हूँ। तो अभी जब साजिद भाई ने बताया कि इरफान मुर्तजा कैलिफोर्निया से आ रहे हैं तो मैंने इरफान भाई की वो नज़्म दोबारा सुनी और मैंने भी टिकट ले लिया है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन वतन से दूरी और जब मैं यहाँ आया तो मुझे एहसास हुआ। तो मैं कुछ यादें समेट कर पाकिस्तान जा रहा हूँ सर, आपकी दो नज़में सुन के, और अगर मौका मिले तो वो भी पेश कीजिएगा, क्योंकि आपका आना बार बार नहीं होता तो बाज़ हज़रात यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी सुन लें। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इस अंदरूनी वाक़े की यादों में डूबे हुए कुछ शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। आ किसी शान किसी याद की दहलीज पे आ किसी शान किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। हाँ मुझे याद है तुझे दिल मानते थे अपने सीने में, मचलता हुआ जिद्दी बच्चा, तेरे हर नाज को उंगली से पकड़कर अक्सर नित नए ख्वाब के बाजार में ले आते थे, तेरे हर नखरे की फरमाइश पर एक जीवन की तमन्नाओं की बीनाई से हम देखते ही ना थकते थे। हाँ मुझे याद है बहन किस तरह याद करती है अपने भाई को, किसी बात पर तकियों से लड़ाई, फिर लड़ाई में कभी हंसते हुए रो पड़ना और कभी रोते हुए हंस पड़ना, फिर थक हार कर गिर पड़ने का मासूम खुशी पक्ष ख्याल, अब तो तड़पा देता है रुला देता है
भाई कहीं से तो आ जाओ, वादा है मेरा अब लड़ाई में कभी ना रोऊंगी, कहीं से तो आ जाओ। बाप की याद किस तरह है बच्चे के लिए? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, हम तुझे सुख जानते थे, रात हंस पड़ती थी बेसाख्ता दर्शन से तेरे, दिन तेरी दूरी से रो पड़ता था। हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, हम तुझे जान कहा करते थे, तेरी खामोशी से मर जाते थे, तेरी आवाज से जी उठते थे। हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, तुझको छू लेने से एक जिंदगी आ जाती थी शरियानों में, तुझे थाम लेने से कोई शहर सा भर जाता था वीरानों में। अब तो तेरे भूले हुए रास्ते पे लिए फिरता है ईमान हमें और कहता है कि पहचान हमें। मैं अपने तमाम शोरा कराम हाजरीन महफिल और सबकी दिल की तर्जुमानी करते हुए ये शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। दरंदगी का नाम और निशान तक ना रहेगा तेरी खून की आबियारी से, दरंदगी का नाम और निशान तक ना रहेगा तेरी खून की आबियारी से, तेरा नाम जिंदा रहेगा जुर्रत और हौसले की दास्तानों में। हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे महमूद जौहर साहब और अखबारी है अख्तर हमीदी।